क्या अटोमिक एक्स से ज्यादा पावरफुल फ्यूजन एलियन है? स्वम्प फायर हीट ब्लास्ट की तरह फायर को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाता? बेंटेन की एनिमेशन इनविंसिबल की तरह आर रेटेड या फिर ज्यादा रियलिस्टिक हो सकती है? तो अगर फोर आर्म्स का पूरा एक हाथ कट जाए तो बेन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो का लाइक एम होने वाला है 5200 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 600 कमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये टारगेट्स आप जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दोगे, बिकॉज आपके लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी ज्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो अब सारी जरूरी बातें हो गई, तो बिना और समय फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या बेन के यूनिवर्स में गॉड एग्जिस्ट करते हैं? अगर हाँ तो क्या वो एलियन एक्स को इरेज या मार सकते हैं? और इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बेन सुपरमैन का डीएनए लेकर बेन 10,000 को हरा सकता है? तो देखो, बेन 10 यूनिवर्स के अंदर एलियन एक्स खुद किसी गॉड से कम नहीं है। ये यूनिवर्स को रिक्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है, टाइम को रिवर्स कर सकता है एंड ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है। पर जो चीज ये नहीं कर सकता वो है दूसरे सेलेस्टियल सेपियंस को मारना। पर बेन 10 यूनिवर्स के अंदर 3 ऐसे एलियंस मौजूद हैं जो कि शायद ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं 3 मिस्टीरियस एलियंस की, जिन्हें बहुत ही पहले कंफर्म कर दिया गया था कि वो एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल हैं। एंड अगर ये एलियन सच में एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल है तो हम टेक्निकली इन्हें बेन 10 यूनिवर्स का गॉड भी बोल सकते हैं। क्वांटिमिलिया का मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि क्वांटिमिलिया ने अभी तक कोई भी गॉड वाला फीट अचीव नहीं किया है। और जहाँ तक बात है कि क्या बेन सुपरमैन में ट्रांसफॉर्म होके बेन 10,000 को हरा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो बेन 10,000 के पास 10,000 एलियंस हैं, दूसरी बात बेन 10,000 के पास काफी सारा एक्सपीरियंस है, और तीसरी बात सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर तो है पर उसकी वन ऑफ द वीकनेस है मैजिक। तो बेन 10,000 किसी भी ऐसे एलियन जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं उसकी मदद से सुपरमैन बने हुए बेन टेनिसन को हरा सकता है। और हाँ, सुपरमैन फैंस ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया था मैंने बस इसी का जवाब दिया है। एनीवेज, तो अगला क्वेश्चन है कि सभी बेन 10 का फ्यूचर अलग क्यों होता है? मतलब बेन 10 क्लासिक के फ्यूचर बेन के पास बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं था? तो देखो यार, इस चीज का आंसर तो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तीनों ही बेन 10,000 सेम है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये दोनों बेन 10,000 सेम है और अल्टीमेट बेन 10,000 एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेन 10,000 है। कुछ लोगों का मानना है कि बायो बेन 10,000 ही हमारे प्राइम बेन का फ्यूचर है, और भी पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना थ्योरीज हैं। पर एक थ्योरी जो मुझे सबसे ज्यादा सेफ लगती है वो ये है कि इन सभी बेन 10,000 में से कोई भी अपने प्राइम बेन का रियल फ्यूचर नहीं है, बल्कि ये सारे ही बेन 10,000 अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन 10,000 है। इस थ्योरी को फिर कभी किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन है कि क्या अटोमिक एक्स से ज्यादा पावरफुल फ्यूजन एलियन है? तो अटोमिक एक्स बेशक अब तक का दिखाया गया बायो बेन 10,000 का सबसे ज्यादा पावरफुल फ्यूजन एलियन है, पर इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ये टाइम पावर्स के अगेंस्ट कमजोर पड़ जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो बेन 10,000 को अटोमिक एक्स से भी ज्यादा पावरफुल फ्यूजन एलियन बनाने के लिए सेलेस्टियल सेपियंस के डीएनए को एक ऐसे एलियन के डीएनए से मिक्स करना होगा जिसके पास टाइम पावर्स हो, जैसे कि क्लॉकवर्क। और इस तरह क्लॉकवर्क और एलियन एक्स का ये फ्यूजन बेन 10,000 का सबसे ज्यादा पावरफुल फ्यूजन बन जाएगा, क्योंकि इसके पास अटोमिक एक्स के जैसे हाफ सेलेस्टियल सेपियन की पावर तो होगी ही, प्लस इसके पास टाइम पावर्स भी होंगी जो कि अटोमिक एक्स की सबसे बड़ी वीकनेस है। हाँ, वैसे तो अभी तक इस फ्यूजन एलियन को हमने बेन 10 की सीरीज में नहीं देखा है, पर बायो बेन 10,000 को इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए बायो बेन 10,000 को बस इसके बारे में सोचना है और अपने हाथों को क्रॉस करते हुए इसका नाम पुकारना है। एंड दैट्स इट, बन गया सबसे पावरफुल फ्यूजन एलियन। अगला क्वेश्चन, क्या हो अगर बेन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होके किसी के बॉडी के अंदर चला जाए और तभी ओमनीट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाए? तो हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा।
अगला सवाल ये है कि क्या स्वॉम्प फायर ह्यूमंगस ऑर से पावरफुल है? तो ये दोनों ही एलियंस अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा पावरफुल हैं, पर स्वॉम्प फायर के पास ह्यूमंगस ऑर के अगेंस्ट एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास फायर को जनरेट करने की पावर, प्लांट को कंट्रोल करने की पावर और रीजनरेशन की पावर भी है। इनका अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल, ब्लूम्ड और अल्टीमेट स्वॉम्प फायर में से सबसे पावरफुल स्वॉम्प फायर कौन सा है? तो यार ऑब्वियस सा आंसर है अल्टीमेट स्वॉम्प फायर। इनका अगला क्वेश्चन है कि फास्ट ट्रैक, जेट रे और एक्सेलरेट में से सबसे ज्यादा तेज एलियन कौन सा है? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा फास्ट है एक्सेलरेट और स्पेस में सबसे ज्यादा फास्ट है जेट रे। क्या रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स से ज्यादा पावरफुल है? नहीं। कौन से बेन के पास सबसे ज्यादा पावरफुल ओमनीट्रिक्स है? बायोबेन 10,000। क्या बेंटेन यूनिवर्स पोकेमोन यूनिवर्स को डिफीट कर सकता है? इसका जवाब बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही यूनिवर्सेस में काफी पावरफुल बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही यूनिवर्सेस एक दूसरे को डिफीट करने का दम रखते हैं। एंड इनका फाइनल क्वेश्चन है कि क्या क्लासिक ओमनीट्रिक्स रीबूट ओमनीट्रिक्स को डिफीट कर सकती है? नहीं। अगला सवाल, अगर फोर आर्म्स का पूरा एक हाथ कट जाए तो बेन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? तो नहीं, फोर आर्म्स का हाथ कटने पर बेन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने एपिसोड्स में देखा है कि अगर बेन को अपने एलियन फॉर्म में कोई छोटी मोटी चोटें लगती है तो वही सेम चोटें उसकी ह्यूमन फॉर्म में भी होती है। जैसे कि जब ह्यूमंगस ऑर का घुटना छिला था तो बेन का भी घुटना छिल गया था, और जब क्लॉकवर्क का हाथ डैमेज हुआ था तो बेन का भी हाथ डैमेज हो गया था। पर एक बार जब डायमंड हेड का पूरा शरीर ही टूट फूट गया था तब तो बेन एकदम सिंगल पीस में लौटा था और उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं थी। तो इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ओमनीट्रिक्स के यूजर को उसकी एलियन फॉर्म में कोई छोटी मोटी चोटें लगती है और अगर वो चोटें यूजर के लिए जानलेवा नहीं है तो ओमनीट्रिक्स उन्हें ठीक करके नहीं देगा, जैसे कि ह्यूमंगस ऑर और क्लॉकवर्क के केस में था। लेकिन अगर बेन को एलियन फॉर्म में ऐसा डैमेज मिलता है जो कि अगर बेन के ह्यूमन फॉर्म में भी रहा तो उसकी जान भी जा सकती है, तो इस कंडीशन में ओमनीट्रिक्स का फेल सेफ फीचर ऑन हो जाएगा और बेन को पूरी तरह से हील करके ही ओमनीट्रिक्स बेन को नॉर्मल कराएगा। एंड ऐसा ही हुआ था डायमंड हेड के केस में, क्योंकि डायमंड हेड की तो पूरी बॉडी ही शैटर हो गई थी। तो सोचो अगर बेन भी उसी हालत में नॉर्मल होता तो बेन की तो वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती, पर बेन को ओमनीट्रिक्स के फेल सेफ फीचर ने बचा लिया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या बेंटेन की एनिमेशन इनविंसिबल की तरह आर रेटेड या फिर ज्यादा रियलिस्टिक हो सकती है? तो जिनको आर रेटिंग का मतलब नहीं पता उनको मैं पहले बता देता हूँ कि आर रेटिंग उस मूवी या शो को मिलती है जिसमें बहुत ही वल्गैरिटी या फिर खून खराबा दिखाया जाता है, जो कि 17 या 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सूटेबल नहीं होती। पर आपने देखा होगा कि बेंटेन के अंदर हमें कभी भी खून खराबा नहीं दिखाया गया, क्योंकि बेंटेन की सीरीज आर रेटेड नहीं बल्कि पीजी रेटेड थी, और पीजी रेटेड में आप वो सब नहीं दिखा सकते जो कि आर रेटेड में दिखा सकते हो। पर जो आने वाली बेंटेन की सीरीज है वो PG-13 होने वाली है, जिसे आप PG और आर रेटिंग के बीच की रेटिंग समझ सकते हो। लेकिन अगर स्टूडियो चाहे तो वो बेंटेन की एनिमेशन तो क्या पूरी की पूरी सीरीज को ही आर रेटेड बना सकता है, पर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उनका ही नुकसान है। क्योंकि पहली बात तो ऐसा करने से उनकी ऑडियंस काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि उनकी टॉयज की सेल काफी ज्यादा कम हो जाएगी, बिकॉज अब उनकी टारगेट ऑडियंस बच्चे नहीं बल्कि अडल्ट्स हैं, जो कि टॉयज को उतना नहीं खरीदेंगे। और हाँ, चीजों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए आर रेटिंग का होना जरूरी नहीं है, बिना आर रेटिंग के भी चीजों को रियलिस्टिक वे में दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पैराडॉक्स सारे अल्टरनेट बुरे बेन्स का सामना करने के लिए सारे अच्छे बेन और ग्वेंटेन को लाया, तो पैराडॉक्स ने बैड बेन की टाइमलाइन से अल्बिडो को क्यों नहीं लाया? क्योंकि जब बेन उस टाइमलाइन में बुरा है तो अल्बिडो उस टाइमलाइन में अच्छा होगा ना? तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, पर तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि पैराडॉक्स बैड बेन की टाइमलाइन से अल्बिडो को इसीलिए नहीं लाए क्योंकि अल्बिडो ने उस टाइमलाइन में कभी भी ओमनीट्रिक्स का डुप्लीकेट नहीं बनाया, इसीलिए इस अल्बिडो को उस बैटल में लाने का कोई भी लॉजिक या सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमारा प्राइम टाइमलाइन वाला अल्बिडो तो बुरा था और उसे बेन के पास ओमनीट्रिक्स का होना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने खुद का ओमनीट्रिक्स भी बनाया और बेन की ओमनीट्रिक्स भी कई बार
कार छीनने की कोशिश की। पर जहां तक बात है बैटमैन की टाइमलाइन के अल्बिडो की, तो अच्छा होने के कारण उसने कभी भी ओमनीट्रिक्स का डुप्लीकेट नहीं बनाया होगा, और अगर बनाने की कोशिश की भी होगी तो अजमत के मना करने पर वो मान गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वम्प फायर हीट ब्लास्ट की तरह फायर को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाता। तो देखो, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हीट ब्लास्ट की तरह स्वम्प फायर कोई प्योरली फायर टाइप एलियन नहीं है, बल्कि वो तो एक प्लांट टाइप एलियन है जो कि मीथेन गैस को अपने शरीर में प्रोड्यूस करता है और अपने हाथों से मीथेन गैस को निकालते हुए जलाकर फायर अटैक्स का इस्तेमाल करता है। यानी स्वम्प फायर बस फायर को प्रोड्यूस कर सकता है, उसे एब्जॉर्ब या मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पर हीट ब्लास्ट ये सारी ही चीजें कर सकता है क्योंकि वो प्योरली फायर टाइप एलियन है। क्या अल्बिडो का कोई फीमेल वर्जन हो सकता है? तो हाँ, बेंटेन मल्टीवर्स के अंदर कहीं ना कहीं अल्बिडो का फीमेल वर्जन भी जरूर होगा। ओमनीट्रिक्स का सिंबल एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में सिर्फ चेस्ट पे ही क्यों था, जबकि क्लासिक और ओमनीवर्स में तो कभी चेस्ट पे, कभी शोल्डर पे, कभी बैक पे और कभी बेली पे होता था। देखो, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स के एक ग्लिच के चलते होता था, जिसकी वजह से बेन के कुछ एलियंस को छोड़ के बाकी एलियंस के कपड़े जनरेट नहीं होते थे, और इसीलिए एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हर एक एलियन के चेस्ट पर ही ओमनीट्रिक्स का सिंबल होता था। वैसे इससे याद आया कि मैंने टॉप 10 पोजीशंस ऑफ ओमनीट्रिक्स सिंबल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, जिसे अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि अगर एटॉमिक एक्स आउट ऑफ कंट्रोल होके पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाए तो क्या बाकी सारे सेलेस्टियल सेपियंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? तो अगर एटॉमिक एक्स पागल होके पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तब भी सेलेस्टियल सेपियंस का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो सेलेस्टियल सेपियंस यूनिवर्स के बाहर फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहते हैं, और दूसरी बात तो ये कि नॉर्मल सेलेस्टियल सेपियन के लिए ही एक दूसरे को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये तो फिर भी आधा सेलेस्टियल सेपियन है, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या बेन 10 के एलियंस के भी अलग अलग जेंडर होते हैं, क्योंकि बेन के बिग चिल ने तो कई सारे बेबीज दिए थे, तो क्या इसका मतलब बेन का बिग चिल फीमेल है? तो देखो, बेन 10 के एलियंस के भी मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस को एड कर दूंगा, और जहाँ तक बात है बिग चिल की, तो बिग चिल फीमेल नहीं है, बल्कि वो मेल और फीमेल दोनों है। हाँ, जानता हूँ सुनने में अजीब जरूर है, पर हमारी रियल लाइफ में भी कई सारे ऐसे क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और ऐसे जीवों के लिए हम बाइसेक्सुअल टर्म का यूज करते हैं, पर इसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले। इसीलिए सीधा सीधा आप यही समझो कि बिग चिल के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर होने की वजह से वो बिना किसी पार्टनर के भी बेबीज को जन्म दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बेन 10 एलियन फोर्स में बेन अचानक से रैथ में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया था? तो मेरे दोस्त, इसका जवाब आपको मैं नहीं बल्कि खुद ग्वेन ही बताएगी। बेन, तुम लौट आए। उस बच्चे ने किसी तरह की वेव्स भेजी होंगी जिससे ओमनीट्रिक्स में गड़बड़ी आ गई। सही जवाब। तो यही थे आज के सारे सवाल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। पर जिन लोगों के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में नहीं ले पाया, उनको तहे दिल से सॉरी, पर मेरी भी मजबूरी है कि मैं एक वीडियो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही पिक करना पड़ता है। पर फिर भी आप अपने क्वेश्चंस को मुझे कमेंट्स में दोबारा से लिख के जरूर बताना, और अगर मुझे आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उसे फैंस क्वेश्चन के अगले एपिसोड में जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी तो लेफ्ट या राइट कोई सी भी वीडियो देखो और एंजॉय करो।